सो आज की इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन रूल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है और हमारा लगभग 3 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि छोटा सा टॉपिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन रूल की अगर बात करें तो नाइट्रोजन रूल क्या कहता है कि अगर हमारा कोई भी कंपाउंड है जिसका हम मास स्पेक्ट्रा लेने वाले हैं, अगर उसमें नाइट्रोजन एटम प्रजेंट है तो उसका हम ये बता सकते हैं कि इसमें ओड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है या फिर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है। और वो किस बेस पर बताते हैं, वो इस बेस पर बताते हैं कि अगर हमारा जो कंपाउंड है अगर उसमें ओड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा उसका जो मास होगा m बाय z रेशियो होगा वो भी ओड होगा। और अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा उसका m बाय z रेशियो भी इवन होगा। और यही है हमारा नाइट्रोजन रूल। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होंगे उसके बारे में उसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके से अगर हमारे पास दो हैं तो किस तरीके से उसका इवन नंबर ऑफ इवन नंबर एम जेड वैल्यू आता है और क्या होता है इस अगर और अगर इक्वेशन आता है तो किस किस तरीके से आपको लिखना है, अगर इक्वेशन आता है तो किस तरीके से आपको लिख करके आना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन रूल को। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द कंपाउंड विच कंटेन ओड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी कि ऐसा कंपाउंड है जिसके पास ओड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होते हैं, देन द मोलिकुलर मास ऑफ इट्स मोलिकुलर आयन, यानी कि इसके जो मोलिकुलर आयन होगा उसका मोलिकुलर मास विल बी इन ओड नंबर, यानी कि वो ओड नंबर में होगा। देखो मोलिकुलर मास मतलब m बाय z रेशियो। ठीक है, m बाय z रेशियो उसका ओड नंबर में ही होगा अगर ओड नंबर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे तरीके से बात करें, इफ मॉलिक्यूल कंटेन इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, अगर हमारे मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, देन इट्स मॉलिक्यूलर आयन विल कंटेन इवन नंबर ऑफ मास वैल्यू, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर आयन होगा उसकी एम बाई जेड रेशियो इवन नंबर में हमें देखने को मिलेगी, इवन वैल्यू होगी। ठीक है, इवन यानी कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इस तरीके से होगी। और ओड मतलब 1, 3, 5, 7, 9 कुछ इस तरीके होगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं उनमें देखते हैं। देखो यहां पर हमारे पास क्या है, ये है TNT ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो हमारे पास 3 नाइट्रोजन एटम है, 3 का मतलब ये ओड संख्या है। ठीक है, अब ओड है तो इसका जो एम बाई जेड रेशियो होगा वो भी ओड होगा। और एम बाई जेड रेशियो के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मेरे जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की जो बाकी की वीडियो है, लगभग मैंने 6 वीडियो इस पर बना दी हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, जो कि MSc फाइनल में हमारे पास एक यूनिट का सेकेंड पार्ट होता है। ठीक है, शायद 3rd यूनिट का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो उसमें ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक सेकंड पार्ट है जिसमें हमारे पास कई सारी टॉपिक्स हैं। तो ये हमारा लगभग लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन रूल के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है TNT जिसमें 3 हमारे पास नाइट्रोजन एटम है और वो क्या है ओड नंबर में। ठीक है, तो ओड नंबर में है तो इसका एम बाई जेड रेशियो भी ओड ही आएगा, 227 क्या है ओड नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, देखो ये हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन जो है इसमें देखो 2 है हमारे पास नाइट्रोजन एटम, यानी कि इवन नंबर में है। अब इवन नंबर में है तो इसका एम बाई जेड रेशियो भी इवन नंबर में आएगा, तो इसका एम बाई जेड रेशियो 46 आता है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम यहां पर प्रेजेंट है और ओड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम यहां पर प्रेजेंट है। अगर बात करें इस मॉलिक्यूल की तो देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, यानी कि इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका जो एम बाई जेड रेशियो होगा वो भी इवन नंबर में ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है NH3 यानी कि अमोनिया है। अमोनिया की बात करें तो इसमें 1 हमारे पास नाइट्रोजन एटम होता है, यानी कि ओड नंबर में नाइट्रोजन एटम यहाँ पर होता है। अगर ओड नंबर में होगा तो इसका जो एम बाई जेड रेशियो है वो भी ओड होगा, तो इसका एम बाई जेड रेशियो 17 होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल। अगर बात करें आगे तो इफ नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन अवर सैंपल मॉलिक्यूल, अगर हमारे सैंपल मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, देन इट विल बी प्रेजेंट इन ओड नंबर और इवन नंबर। तो ये हमारे पास ओड नंबर या फिर इवन नंबर में प्रेजेंट हो सकता है, इट इजीली प्रेडिक्ट बाय दिस रूल, और हम इस रूल के थ्रू इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन एटम है मॉलिक्यूल में वो ओड नंबर में है या फिर इवन नंबर में है।
ये दो, ये जो चीज है ना इसका पता लगा सकते हैं हम, ये नहीं पता लगा सकते इससे कि कितने नंबर में है। अब ओड का मतलब एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि दो होगा या फिर तीन होगा, पांच होगा या फिर छह होगा, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। यानी कि ओड वैल्यू होगी या इवन वैल्यू होगी वो हम पता लगा सकते हैं हमारे एम बाई जेड वैल्यू से। ठीक है, पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन है या फिर नहीं है, क्योंकि हमारे पास देखो ये जो है यहां पर एक भी हाइड्रोजन एटम, सॉरी नाइट्रोजन एटम नहीं है, तो इसका जो एम बाई जेड रेशियो है ये इवन नंबर में आ रहा है। यानी कि सबसे पहले हम हमारे कंपाउंड में देखेंगे कि उसमें नाइट्रोजन है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो आगे तो हम नाइट्रोजन रूल को वहां पर लागू ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट होगा हमारे मॉलिक्यूल में तब हम नाइट्रोजन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां हमारे पास दो एग्जांपल हैं। अगर इसमें बात करें तो एक नाइट्रोजन एटम है यानी कि ओड वैल्यू है। अब ओड है तो इसका एम बाई जेड रेशियो भी ओड ही आएगा, तो 87 इसका एम बाई जेड रेशियो आता है। अगर इसकी बात करें तो यहां पर देखो एक भी नाइट्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट है, तो यहां पर इसका एम बाई जेड रेशियो क्या होगा, इवन नंबर में होगा। ठीक है, तो यहां पर 0, 2, 4, 6, 8, 10 है, यानी कि इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इवन नंबर में आता है हमारा एम बाई जेड रेशियो। अब देखो जीरो के केस में क्या हो सकता है, जीरो के केस में हमारा नाइट्रोजन रूल यहां पर लागू नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन रूल केवल उन कंपाउंड्स के लिए लागू होता है जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास नाइट्रोजन रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ था ही नहीं यार समझने के लिए, तो ये किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको लिख करके आनी है, मेरा मोटिव वो था आपको समझाना। ठीक है, तो इतना लिखना सफिशियंट होता है यार, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।